तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं राहुल, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का डेली व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, पिछले साल नवम्बर में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया था 37% लोगों को हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें 24% लड़के जिनकी एज 24 से 45 साल है। तो आप समझ सकते हो इतनी कम एज में लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम, पानी अच्छा नहीं है, चूना वाले पानी है। पर आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, किस तरीके से हम अपना गंजापन छुपा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यू हेयर लोशन यूज़ कर लिया है, मिनोक्सिडिल यूज़ कर लिया है, ऑनियन ऑयल यूज़ कर लिया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए पर कोई फर्क नहीं मिला। अब लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, इसका क्या कॉस्ट, कितना कॉस्टली होता है ये और कितना पेनफुल होता है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है और इसको कब करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सारे ट्रीटमेंट कर चुके हो पर तब भी आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। इसकी एज 24 साल से 55 साल तक के लोग इसको कराते हैं, पर अगर आपकी एज 60 है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी इसको करवा सकते हो। पर अगर आपकी एज कम है, 24 से कम हो, तो हेयर ट्रांसप्लांट मत कराना, बहुत पेनफुल होता है, बहुत रिस्की होता है। और अगर आप चाहते हो करवाना तो एक बार डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लेना। सेकेंड थिंग हम आते दोस्तों, इसमें होता क्या है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में देखिए, जैसे कि आपका जो ये जो एरिया है, ये देख सकते हो, ये एरिया यहाँ पर समझ लो बाल नहीं है। ये जो आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर आपके समझ लो बाल नहीं है। तो आपके पीछे जहाँ पर भी आपके एरिया में जहाँ पर बाल होंगे, जहाँ से ग्रोथ हो रही होगी बालों की अच्छी, वहाँ से बाल की जड़ निकाल कर आपके इस जगह पर जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर लगाते हैं। तो ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट। इसकी जो कॉस्ट होती है दोस्तों, ये पर हेयर की होती है। पर हेयर की 25 रुपये, 30 रुपये, 35, 40, 40 तक होता है ये। जितने अच्छे क्लिनिक से आप कराओगे उतना ज़्यादा इसका कॉस्ट होता है, पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये। दोस्तों, आप कोई भी ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर हेयर ट्रांसप्लांट अलग होता है, ये परमानेंट होता है ये। आप जितने बार हेयर कट करा लो, आप गंजे हो जाओ तब भी आपके बाल आते रहेंगे, क्योंकि ये जड़ की ग्रोथ होती है। आपके पीछे की जड़ निकाल के आपकी आगे लगाई जाती है जहाँ पर बाल नहीं होते। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग विक को प्रीफर करते हैं, पर मैं बोलूँगा कि आप विक मत लगाओ। अगर आपकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बिल्कुल गंजे हो चुके हो, बहुत टाइम से गंजे हो, कोई भी तेल आप पे वर्क नहीं कर रहा है, तो ज़रूर से हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, उस पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं कि कितना ये कॉस्ट होता है। दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक होता है, पर मिनिमम 30,000, 35,000। कुछ लोगों के जो है सिर्फ आगे के जो है, देख सकते हो आप फोटो में, यहाँ के बाल जाते हैं, तो इसमें जो है कॉस्ट 15 से 20,000 का आता है, पर आपके बहुत अच्छे बाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक खुल चुके हैं। पहले इंडिया में ये नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट, पर कुछ सालों से इंडिया में भी ये हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। बहुत अच्छे लोगों का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके सर में भी बहुत अच्छे और घने बाल आए, आप नहीं चाहते कोई भी रिस्क लेना अपनी लाइफ में, तो ज़रूर से हेयर ट्रांसप्लांट आइए। विक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एकदम नेचुरल और अच्छे बाल आपके सर में आ जाएंगे। पर अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना पेन होता है। दोस्तों, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। पेन के साथ साथ आपको अपनी जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कम से कम 1 या 2 हफ्ते की नींद। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो पूरे सर में छोटे छोटे होल होते हैं, क्योंकि वो जन पीछे के बाल निकलते हैं वो आगे लगते हैं, तो पूरे सर में जो है आप लोगों को दर्द होता है। तो आपको कम से कम 2 हफ्ते एडजस्ट करना पड़ेगा। पर इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों, वो प्रॉपर 3 महीने में आता है। आपके जो छोटे छोटे हेयर है वो आने लग जाएंगे, पर इसका रिजल्ट कम से कम 90 दिनों में आता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आज हेयर ट्रांसप्लांट कराओ और कल आपके सर में बाल आ जाएंगे, तो नहीं, ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप विग लगाते हो। पर विग गर्मियों में अच्छी नहीं होती है, पर अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो ना गर्मी ना सर्दी, नेचुरल हेयर होते हैं ये, बिल्कुल परमानेंट आपके सर के निकले हुए आपके ही बाल होते हैं ये। बहुत अच्छा रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट का मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छे क्लिनिक कहाँ पर है इंडिया में। दोस्तों, इंडिया में सबसे अच्छे क्लिनिक दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में और कोलकाता में। ये 4 एरिया में आपको अच्छे क्लिनिक मिल जाएंगे, जो कि जिनका बजट भी कम है और बहुत अच्छा ये रिजल्ट देते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड,
अगर आप चाहते हो न्यू हेयर ऑयल लोशन खरीदना, अगर आप चाहते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो ये है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हो न्यू हेयर लोशन को ऑर्डर करना, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी दोस्तों, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो मुझसे पूछिए। दोस्तों, आज है डे 39, दिखा रहा हूँ आपको डे 38 और 39 का कंपैरिजन, एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।